चलिए आज मैं बनाना शुरू करती हूँ ग्रेवी चिकन। तो ग्रेवी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाले तैयार करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले हम एक मीडियम साइज प्याज, इसे मैंने स्लाइस कर लिया है, एक टमाटर, तीन हरी मिर्च, दो लाल मिर्च, 10 से 12 लहसुन की कलियां, आप चाहे तो इसकी स्किन हटा भी सकते हैं, ये 5 ग्राम अदरक, और साथ में मैं मसाले भी ले रही हूँ, ये 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर रंग के लिए। तो मैंने मसालों को एक साथ मिक्सी जार में डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। बार इस तरह से पीस कर देखें सारे मसालों को एक साथ, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो चलिए मैं इसे पीस लेती हूँ। ये देखिए ये मसाले मैंने पीस लिया है। मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में चिकन बहुत अच्छा बनता है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। इसमें मैं डालूंगी 2 तेज पत्ते, 2। ये तेल गर्म हो चुका है, ये जो मैंने मसाले पीसे थे इसे मैं इसमें डाल रही हूँ। मसालों को अच्छी तरीके से भूनना है जब तक इसका कच्चापन स्मेल चला ना जाए। मीडियम फ्लेम पे ही मसालों को भूने। तो इस तरह से इसे ऐसे भूनते रहेंगे। 1 टीस्पून नमक, आप नमक स्वाद अनुसार मिला लेंगे। और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें चिकन 500 ग्राम। ये देखिए ये चिकन मैंने इसमें डाल दिया है मसालों में, अब इसे साथ में भून लेंगे। मसालों का जो फ्लेवर है ये चिकन में आ जाता है, इसे चिकन का बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो इसे ऐसे साथ में भूनेंगे चिकन को, इसे ऐसे भून लेना है। हम तब तक भूनते रहेंगे जब तक कि मसालों का कच्चापन स्मेल ना चला जाए और ये अच्छी तरीके से मसालों में ये लिपट ना जाए चिकन के पीसेस। इस तरीके से ऐसे ऐसे बीच बीच में चलाते रहें जिससे ये मसालों की कोटिंग हर पीसेस में लगते रहे इवनली। अच्छे से ऐसे भूनते रहेंगे, ऐसे अच्छे से चलाते रहें, भूनते रहें, ये इवनली पीसेस में मसाले भूनते रहें। ये देखिए ये मसालों को अच्छे से ऐसे भून लेंगे। इसमें मसाले अच्छे तरीके से ऐसे लिपटे होने चाहिए। ऐसे भून लेंगे। इसे हाई फ्लेम पे ही भूने, ये चिकन मसालों के साथ इसे हाई फ्लेम। ये देखिए इस तरह से मसाले बिल्कुल अच्छे से इसमें लिपट चुके हैं।
चिकन पीसेस में। इसकी भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, रोटी या पराठे में। ये बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से खाने में। आप एक बार इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। इसे रोटी, पराठे, फुलके या नान के साथ आप खा के देखें, बहुत अच्छा लगता है। इसे ऐसे भी सर्व किया जा सकता है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। ये मैं वो पानी ऐड कर रही हूँ जिसमें मैंने ये मिक्सी में जो मसाले लगे थे, मैं उसमें ये ऐसे थोड़े से मिलाकर पानी डाल रही हूँ जो बचे थे। मिक्सी में काफ़ी मसाले लगे हुए थे जो मैंने पीसा था, तो उसी में मैंने पानी डालकर इसमें मैं डाल रही हूँ। इसे अच्छे से ऐसे मिला लें। ये देखिए, अनुसार पानी कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसमें पानी डाल दिया। वैसे तो ये चिकन के पीसेस भूनते भूनते ही ये पक जाते हैं, लेकिन बस 5 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ऐसे ढक देंगे और एक बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे। तो अब एक बॉयल आ चुका है, हम इसे एक बार देख लेंगे। देखिए ये चिकन का फ्लेवर कितना अच्छा आया है। ये अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। आप कोई भी गरम मसाला पाउडर ले सकते हैं। और 1 टीस्पून में डाल रही हूँ चिकन मसाला पाउडर। इसे अच्छे से ऐसे मिला लेंगे। आप एक बार इस तरीके से चिकन को बना के देखें, ये आप बार बार बनाएंगे, ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। इसकी देख रही है ग्रेवी, ये कितनी कंसिस्टेंसी है इसकी। इसे रोटी या राइस के साथ, पुलाव, जीरा राइस के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये हो चुका है हमारा ये ग्रेवी चिकन तैयार। मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और ये हरे धनिए से मैं इसे गार्निशिंग कर देती हूँ। इस तरह से ऐसे मिला लेंगे। तो ये हमारा ग्रेवी चिकन बनके तैयार है।